तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये नाश्ता कितना अच्छा लग रहा है देखने में और कितना सॉफ्ट बना है और एकदम कम सामान से ये बन के रेडी हो जाता है और बनाने में ज़्यादा परेशानी भी नहीं होता है। आप इसको किसी के भी साथ खा सकते हैं, चटनी हो या सॉस हो या बच्चों को आप टिफिन में भी ये दे सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है, तो इसके ऊपर आप सॉस अगर लगा के खाए तो ये और भी ज़्यादा अच्छा लगता है खाने में, तो आप देख सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि ये रेसिपी हम कैसे बनाएंगे फ्रेंड्स। तो आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ बहुत ही टेस्टी और इजी नाश्ता जो कि गेहूं के आटे से बनता है और हेल्दी भी है और टेस्टी भी है, और ये आप लंच में भी ले जा सकते हैं, बच्चे को टिफिन में भी दे सकते हैं, अगर आप कहीं जा रहे हैं तो उसमें भी बना सकते हैं। ये बहुत जल्दी से बन भी जाता है और खाने में भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो चलिए हम देखते हैं कि ये रेसिपी हम कैसे बनाएंगे। पहले यहाँ पे मैं ले रही हूँ एक आलू। इसको हमें क्या करना है, इसको हमें अच्छे से कद्दूकस हमें कर लेना है। अब देख सकते हैं ये एकदम पतला वाला है, इसी में हमें कद्दूकस करना है। तो पहले हम इसको कर लेंगे कद्दूकस। देख सकते हैं इसको हमने कद्दूकस कर लिया है। तो अब हमें सबसे पहले इसमें क्या डालना है, अब इसमें मैं इसमें डाल रही हूँ एक कटोरी प्याज। ये एक मीडियम साइज का प्याज है जिसको हमने आप देख सकते हैं इस तरीके से काट लिया है। उसके बाद इसमें हमें डालना है थोड़ा सा अदरक लहसुन मिर्ची जिसको हमने एकदम बारीक सा काट लिया है। उसके बाद इसमें हमें क्या डालना है फ्रेंड्स, मैं इसमें डालूँगी एक टमाटर जिसका हमने बीज इसका निकाल दिया है, उसके बाद इसको हमने अच्छे से कट कर लिया है। उसके बाद हमें इसमें डालना है थोड़ा सा मिर्च पाउडर। अब मिर्च पाउडर अपना अकॉर्डिंग डालें, आप कितना तीखा कम ज़्यादा खाना पसंद करते हैं उसके अकॉर्डिंग आप इसमें मिर्च पाउडर डालें। अब हम इसको क्या करेंगे, पहले इसको हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो हम एक चम्मच के सहायता से इसको हम अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे। इसको मिक्स करने के बाद मैं यहाँ पर ले रही हूँ एक कप गेहूँ का आटा, ये है। तो मैं यहाँ पर एक कप गेहूँ का आटा ले लूँगी। उसके बाद इसमें हमें डालना है स्वाद अनुसार नमक, और नमक डालने के बाद हमें इसमें क्या करना है फ्रेंड्स, इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। एक बार में ज़्यादा पानी नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके ही पानी हम डालेंगे, नहीं तो क्या होगा इसमें गुठलियाँ पड़ जाएंगी तो वो अच्छा भी नहीं होगा। तो इसके लिए थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। इसको हमने मिक्स कर दिया, मुझे ये इतना ही पतला चाहिए, इससे ज़्यादा पतला ये हमें नहीं चाहिए। तो अब हमें इसमें क्या करना है, इसमें मैं ये कटोरी से भर के एक कटोरी धनिया पत्ता डालूँगी। उसके बाद इसमें हमें थोड़ा सा करीब एक चम्मच के करीब हमें इसमें तेल डालना है, नॉर्मल तेल है जो आप खाते हैं सब्जी में यूज करते हैं वही तेल डालना है। इसको अच्छे से फिर से हमें मिक्स कर लेना है। देख सकते हैं फ्रेंड्स इसको हमने मिक्स कर दिया है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है, मेरा ये पैन जो है ये गर्म हो चुका है, तो इसमें हमें थोड़ा सा तेल लगा देना है। हमें इस तरीके से इसमें तेल लगा लेना है, और इसके बाद हमें क्या करना है फ्रेंड्स, हमें करछी भर के लेना है और इसमें हम डाल देंगे, और उसके बाद इसको हम आराम से राउंड शेप में इसको हमें फैला देना है इस तरीके से। इसको हमें ढक के पकाने का कोई भी ज़रूरत नहीं है, हम इस तरीके से भी इसको हम पका सकते हैं। और एक और बात का ख्याल रखें कि मीडियम फ्लेम पे ही हमें इसको पकाना है, ज़्यादा हाई फ्लेम हमें नहीं करना है। अगर आप हाई फ्लेम करके इसको पकाते हैं तो ये क्या होगा, जल जाएंगे और कच्चा रह जाएगा। तो इसके लिए मीडियम फ्लेम पर ही इसको आप पकाइए। देख सकते हैं फ्रेंड्स ये ऊपर से सूख चुका है, तो जब सूख जाए तभी इसको हमें पलटना है, नहीं तो क्या होगा, आप इसको पलटेंगे तो ये क्या होगा, टूट जाएगा। तो इसके लिए, और इसके बाद हमें इस पर क्या करना है, साइड साइड से थोड़ा सा तेल हमें डाल देना है, इस पर लगा देना है। आप चाहे तो कम भी तेल में इसको बना सकते हैं, आपकी मन की बात है, आप ज़्यादा तेल में बना के खाना चाहते हैं तो उसमें भी लगा सकते हैं, और नहीं तो इससे कम भी तेल इसमें आप यूज कर सकते हैं। तो ये साइड से भी हम इसको होने देंगे पहले। इसको अब हम पलट लेंगे। अब पलटने के बाद इसको हमें दबा दबा के, इस तरीके से हम इसको दबा दबा के इसको हम सेक लेंगे। दोनों साइड से हमें इसको दबा दबा के ही सेक लेना है।
देख सकते हैं फ्रेंड्स, इसे हमने दोनों साइड से दबा दबा के इसको हमने सेक लिया है। तो और जो मेरे पास जितना भी है सबको मैं सेम तरीके से मैं इसको बना लूँगी। तो ये हो चुका है, तो इसको हम अब निकाल लेते हैं और दूसरे वाले को इसमें हम फिर से सेम तरीके से हम बनाएंगे। देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये बन के रेडी हो चुका है और ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और अच्छा बन के रेडी हुआ है। तो इसको एक बार ज़रूर आप बनाइए और खाइए, और मुझे भी बताइए कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी, तो ताकि मैं आपके लिए इससे भी अच्छी अच्छी रेसिपी लेके आऊँ। और अगर ये वीडियो मेरी अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा, और कमेंट करके भी बता दीजिएगा कि कैसी लगी आपको ये रेसिपी। तो तब तक के लिए बाय।